हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक है अपना ब्रिक्स के ऊपर, यूजफुल नोट्स ऑन ब्रिक्स। आज ये टॉपिक है अपना। मैं आज ब्रिक्स के बारे में फुल डिटेल वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रिक्स की पूरी जानकारी, मतलब ब्रिक कैसे बनती है, कौन से इंग्रेडिएंट रहते हैं, कितने परसेंट रहते हैं, और सभी तरह की ब्रिक्स की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और उसकी जो स्टैंडर्ड साइज़ है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, सारी बातें और क्रशिंग स्ट्रेंथ, वो सारी बातों की डिटेल चीज़ें आज आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम। तो आज का वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि गेट हो गया, गेट 2022 आने वाली, और सभी तरह के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, और वाइवा में कॉलेज लेवल पर हो आप तो आपको ये क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक देखें, फर्स्ट जो पॉइंट है अपना, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स रहती है 19 बाय 9 बाय 9 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में रहती है, 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। और जो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स है वो है 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। और जो डायमेंशन रहती है उसके, फ्रॉक के डायमेंशन, वो रहते हैं 10 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 1। अगला जो पॉइंट है अपना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पर मैंने IMP ऐसे लिख दिया है, वो है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक कितनी होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट्स, 20% नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट्स रहती है। और जो सेकंड क्लास ब्रिक रहती है उसकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू रहती है ब्रिक की, वो रहती है नॉट मोर देन 22%, कहती रहती है 22% ऑफ इट्स ड्राई वेट, ऑफ इट्स ड्राई वेट्स 22% रहती है। और अगला, ये दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और ये अगली जो पॉइंट आने वाले हैं, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स है उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ रहती है, वो रहती है, उसकी वैल्यू रहती है 10.5 न्यूटन पर mm². ये आप ध्यान रखिए, इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, आपने देखा होगा, मतलब आपने गेट दी होंगी और कई गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दिए और कॉलेज लेवल में भी ये पूछा जाता है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स कितनी रहती है। तो वो है 10.5 न्यूटन पर mm². इसके यूनिट पर आप खास ध्यान दीजिए, इसका यूनिट है न्यूटन पर mm². और सेकंड क्लास ब्रिक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ की वैल्यू रहती है वो है 7 न्यूटन पर mm². ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पर मैं IMP ऐसे लिख देता हूँ। और अगले देखने वाले हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। सभी तरह की ब्रिक्स जो है, अपनी फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हो गई, सेकंड क्लास, उस सभी की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक रहती है उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू रहती है वो है 10 105 kg per cm², 105 kg per cm². और जो सेकंड क्लास ब्रिक रहती है उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो रहती है 17 kg per cm², 70 kg per cm². और जो कॉमन ब्रिक रहती है, जो कि हम यूज कहीं छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, वो इसकी क्रश उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहती है वो 35 kg per cm² रहती है। और जो सनराइज ब्रिक रहती है वो सनराइज ब्रिक की जो क्रशिंग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 15 से लेकर 25 kg per cm² में वेरीज करती है, ये 15 से 25 तक वेरीज करती है। और जो फ्लाई ऐश ब्रिक रहती है, फ्लाई ऐश ब्रिक की जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो है 90 से लेकर 100 तक, इन 90 से 100 तक वेरीज करती है, वो रहती है kg per cm². याद रखिए, मैं ये सभी जो वैल्यूज बताने जा रहा हूँ वो है kg per cm², इसका यूनिट है इस ब्रिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का। और अगला, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पोस्ट कर दूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की, और अगला है अपना ब्रिक, कौन से इंग्रेडिएंट रहते हैं ब्रिक में, ब्रिक बनती कैसे है। जो ब्रिक्स रहती है, सो नॉर्मली जो ब्रिक्स साधारण, मतलब घर के कंस्ट्रक्शन में यू हम यूज़ करते हैं, वो हो गई नॉर्मल ब्रिक। तो
तो वो कैसे बनती है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट रहते हैं। उसमें जो पहला इंग्रेडिएंट है अपना सिलिका, मतलब कि सैंड, वो रहती है 50 से 60% बाय इट्स वेट्स, मतलब कि जो ब्रिक का पूरा वेट रहता है उसके 50 से 60% सिलिका मतलब सैंड रखते हैं। और उसमें जो 20% से 30% रहती है वो रहता है एलुमिनियम मतलब क्ले, उसमें 20 से 30% बाय इट्स वेट्स। और जो लाइम रहती है वो रहती है 2 से 5% बाय इट्स वेट, उसके वेट के 2 से 5% रहती है लाइम। आयरन ऑक्साइड रहता है उसमें इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 7% बाय इट्स वेट्स। और मैग्नीशिया रहता है उसमें लेस देन 1% बाय इट वेट, बाय वेट मतलब कि उसमें 1% से भी कम रहता है उसमें मैग्नीशिया। तो ये था ब्रिक्स के बारे में, ये ब्रिक्स ऐसे इन इंग्रेडिएंट से बनती है और इतने इतने परसेंट उसमें इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। सिलिका 50 से 60%, 20 क्ले उसमें 20 से 30% रहती है। ये सारी बातें मैंने आज की इस वीडियो में बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको अगर इसकी स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते, नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी अबाउट सिविल इंजीनियर पर इसे पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। गुड बाय।